एक तो ये लोग रात को स्कूल में आएंगे फिर डरेंगे, और ये कौन हंस रहा है बाय द वे बैकग्राउंड में, आई थिंक कोई भूत है, और पता नहीं कितने सारे भूत है स्कूल में। और लाइट चला गया, मेरे पास लाइटर था, मेरा कैरेक्टर को लाइटर जलाना चाहिए, ऑफ कोर्स इस टाइम में लाइटर किसी काम का नहीं है मुझे पता है। एनीवेज आई थिंक कोई भूत है, मुझे उस भूत को मारना पड़ेगा। और ओह माय गॉड सच में भूत है। सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द स्कूल वाइड डे। तो ये वाला वीडियो है द स्कूल वाइड डे पार्ट 5। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे, बहुत अच्छा गेम है, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और इस वाले पार्ट में हम लोग जो है स्कूल के मेन बिल्डिंग 2 को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ पर देखने वाले क्या क्या मिल सकते हैं हमें, नया नया चीज़ें और एक नया नया बॉसेस ऑफ कोर्स। तो देखते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और मेरे पास एक वीडियो टेप है जो मुझे मिला था फर्स्ट रूम में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में अभी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, सेकेंड फ्लोर में कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मुझे फैकल्टी ऑफिस 2 का की भी मिल गया था जो कि सेकंड फ्लोर में है। हाँ तो मुझे बेसिकली सेकंड फ्लोर में जाना पड़ेगा और जाके देखते हैं क्या है। और आई होप कि हाँ देखो मैं कहने ही वाला था, आई होप कि जनरेटर यहाँ पर ना हो। इस जनरेटर को पता है मुझे सेकंड फ्लोर में जाना पड़ेगा, तो ये सेकंड फ्लोर में मतलब अपना डेरा डाल के बैठा हुआ है। तो आई गेस कि मुझे थर्ड फ्लोर में मैं एक बार थर्ड फ्लोर में घूम के देख के आता हूँ क्या है, क्योंकि मतलब ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा, ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब इनका IQ ऐसे सेट किया गया है कि मुझे जहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर ही खड़ा रहेगा इस गेम को मुश्किल बनाने के लिए। और मैं नॉर्मल डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ, ईजी में नहीं। मैक्सिमम लोग इस गेम को ईजी डिफिकल्टी में खेलते हैं, कुछ लोग हेल मोड में भी खेलते हैं, पता नहीं कैसे खेलते हैं। और अगर ये जनरेटर ने मुझे एक बार देख लिया तो यहाँ पर भी सेम साउंड, देखो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में सेम साउंड आ रहा है, मुझे पता नहीं ये कौन से फ्लोर में है। इन लोगों को साउंड थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब ऊपर जैसा साउंड नीचे भी ऐसा साउंड, ये बहुत ही गंदी बात है। तो आई मैं रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर जाने के लिए, तो यहाँ पर नहीं है आई थिंक, मतलब मैं बहुत बुरी तरह से बच गया, मतलब अच्छी बात है क्योंकि अगर यहाँ पर होता तो बहुत दिक्कत होता। और ये कैसे फोटोस है मुझे नहीं पता, फोटोज से गेम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और मुझे फैकल्टी ऑफिस 2 में जाना पड़ेगा, आई थिंक कि सामने ही है। हाँ और उसके बगल में एक रूम है जो कि उससे लिंक्ड है और वो लॉक है, तो मुझे एक रूम खोलने, मतलब मैं अगर एक रूम खोल लेता हूँ आई गेस कि 2 रूम खुल जाएंगे, अच्छी बात है। तो देखते हैं, ये रूम नहीं है सामने चल के। और कितना डार्क है, मैं एडिट करने के बाद ये पूरा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाता है, तो बहुत कम डार्क लगता है, वरना मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा एक्चुअली में। तो मैं लाइट जला के रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि लाइट जलाने से जो है जनरेटर अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। स्टेट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट, तो मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ने बाकी रह गए, क्योंकि इनसे ही स्टोरी का पता चलेगा क्या हो रहा है एक्चुअली में। पर मुझे जितना लगता है कि पढ़ने का मतलब ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो एक मतलब मुझे एक टेप मिल चुका है और एक कट सीन टिकट हो गया, ये फिर से नकली वाली ड्रामा क्वीन, पता नहीं क्या चाहिए। नेमेसिस, ओके बदला, ये बदला लेने आई है या कुछ और। मैं कुछ भी करूँ, इसे इतना जलन क्यों है मुझे नहीं पता, इसे मतलब कोई काम धाम नहीं है, मेरे पीछे आ जाती है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, हाँ यही बोलना सही रहेगा। मैंने इसका हेल्प किया था एक्चुअली में। ओके तो स्कूल भूकंप क्यों आ रहा है पता नहीं, ये स्कूल हमेशा हिलता क्यों रहता है। ओ माई गॉड, इन लोगों ने इंडियन सीरियल को भी पीछे छोड़ दिया, एक ताली बनता है इन लोगों के लिए क्या मतलब इन लोगों का इतना ड्रामेटिक सीन बनाते हैं पता नहीं क्यों। इस टाइप के सीन को हम लोगों ने बहुत देखे हैं टीवी में। और मेरा कैरेक्टर देखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इतना फालतू कैरेक्टर क्यों है पता नहीं, कुछ बोल भी नहीं सकता, बहुत कम बात करता है, इसे ये स्मार्ट नहीं बन जाता। ये बस चली गई, मतलब कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब करने आई थी और चली गई। और हाँ आउट करने मतलब ये यहाँ से जाएगी नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये फिर से वापस आ जाएगी। और जो है मुझे एक टेप मिल चुका था आई थिंक कि इसमें और कुछ चेक नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके साथ। तो मुझे मेरे पास अभी 2 टेप्स है, तो मैं लाइटर चला के खुश हूँ क्योंकि मैं जनरेटर को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। अगर उसने देख लिया लाइट जल रहा है तो मतलब नर्क से भी भाग के आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवेज तो मुझे देखना चाहिए, ये पर सामने कुछ है, तो ये टाइपराइटर है आई थिंक, मैंने कभी टाइपराइटर देखा नहीं, पर इसके बहुत सारे कीज़ नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता आई थिंक। ओ माय गॉड जनरेटर पास है, मतलब मैंने कहा था ये यहाँ पर आएगा, मतलब इसे नींद नहीं आएगा जब तक ये मेरे पीछे ना पड़ता है। और सामने एक डॉक्यूमेंट है, नोट इन फैकल्टी लॉजिक, तो इनसे इसे पढ़ के मतलब गेम इजी बन जाता है, बट स्टिल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ने वाला। और ये पर एक एसी मशीन या कुछ है मुझे नहीं पता, ये बहुत पुराना गेम है। टाइपराइटर बटन ई, तो ये कोई कूलर वगैरह लगता है। ओके तो मुझे एक टाइपराइटर का बटन भी मिल चुका है, मुझे देखना चाहिए और कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि एक सेकेंड ये देखो ये पर कुछ है, मैं की को मिस कर रहा था, साइंस लैब की। और ये क्या, जनरेटर मेरे बहुत नज़दीक आ चुका है, ओ माय गॉड जनरेटर बहुत पास है, मैं बिल्कुल भी क्लियरली सुन सकता हूँ। नहीं लाइट को मत जलाओ, लाइट को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लाइट जला के, क्योंकि मैं अगर लाइटर लेके देखता हूँ तो मुझे की भी नहीं दिखाता, अगर लाइट जलाता हूँ तो सब मतलब साफ साफ दिखता है।
और जनरेटर बहुत ही पास है, आई थिंक इस रूम के मतलब पास से ही गुजर रहा है या इस रूम के बाहर ही है। मैं देखता हूँ जंप्स कर देने वाला है। नहीं, यहाँ पर नहीं है। अच्छी बात है, इस रूम में नहीं आया अभी तक, इस रूम में नहीं आया। एनीवेज तो जो है मुझे इस रूम से निकलना पड़ेगा। निकल के साइंस लैब की मिल चुका है, मतलब मैं साइंस लैब को अनलॉक कर सकता हूँ। आई थिंक वो थर्ड फ्लोर में है, थर्ड फ्लोर में फर्स्ट रूम है साइंस लैब रूम, और मैं एक एक करके फ्लोर्स को एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ। और इस मेन बिल्डिंग टू में पता नहीं कौन से बॉसेस है। मैंने एक बच्चे को देखा था जो अपने आत्मा को मतलब पता नहीं क्या चाहिए उसे, मतलब मरा हुआ था और किसी को ढूंढ रहा था और चिल्ला रहा था हमेशा। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, उसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब मेन बिल्डिंग टू का सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बारिश का साउंड पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पर सामने एक डॉक्यूमेंट है, मैं ले लेता हूँ। मुझे डर लग रहा है एक्चुअली, आई कांट सी एनीथिंग, इट्स टू डार्क। तो लाइट जला के डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। क्लास अनाउंसमेंट, ओके, तो ये भी एक कुछ अलग टाइप का डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इस गेम में 10 एंडिंग्स है, मजाक नहीं, सीरियसली। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना तो मतलब मैं क्या ही कहूँगा, मेरे पास कुछ कहने का शब्द नहीं है। पता नहीं मुझे गुड एंडिंग मिलेगा या नहीं। ये देखो जा रहा है। तो ओके, बहुत टाइम बाद वो जनरेटर चला जा चुका है, तो मुझे बस धीरे धीरे जाना पड़ेगा, जाके जो है साइंस लैब को अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैंने इन सब रूम्स में कुछ छोड़ के गया हूँ या नहीं। फेल टिप पेन एक्वेट, तो मुझे नहीं पता फेल टिप पेन से क्या होता है, अगर हीलिंग आइटम मिलते तो अच्छा होता। और ये क्या चीज़ है, एक और लॉक जो है जिसका पासवर्ड मेरे पास अभी है नहीं। एनीवेज तो इनके अंदर आई डोंट थिंक कुछ अच्छी चीज़ होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो मुझे और इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, और जनरेटर अभी भी नहीं गया, वो शायद अभी लौट के आ चुका है। और मुझे थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर झुक मतलब आई थिंक झुक जाता हूँ तो वो शायद मुझे नहीं देख सकता। और तो इस ड्रॉर को मैं खोल नहीं सकता, किसी भी ड्रॉर को मैं खोल नहीं सकता। तो नहीं, यहाँ पर कुछ काम के मतलब काम के लायक चीज़ नहीं। ये बस एक पजल वाला रूम था, उस बोर्ड में जो पजल था उसने मतलब मेरा हालत ख़राब कर दिया था, ये कोरियन टाइप का पजल। तो हम लोगों के पास यहाँ पर लेने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ होगा, क्योंकि इतने बड़े रूम में एक फेल टिप पिन कैसे हो सकता है। हर एक रूम में कुछ, ये देखो मैं मिस कर रहा था, आई टेस्टिंग लेंस लेफ्ट। तो मुझे एक आई टेस्टिंग लेंस मिल चुका है जो कि नर्स के ऑफिस का होगा। इस पजल ने मेरा हालत ख़राब कर दिया था पिछली बार, पर मैंने इसे सॉल्व कर दिया क्योंकि मैं 500 आईक्यू प्लेयर हूँ। बहुत बार मतलब कह के मैं सच चुका इस बात को। एनीवेज तो मुझे जो है थर्ड फ्लोर में जाना पड़ेगा। और देखो मैंने सारे ट्रेजर हंट, आई फाउंड ए न्यू सीक्रेट अबाउट म्यूजिक टीचर हिडन ट्रेजर ऑन ऑफ द पेंटिंग्स ऑन द मेन बिल्डिंग्स से ट्रैप्ड की इनसाइड अनलॉक्स द रूम। ओके, तो किसी पेंटिंग के अंदर की है, आई थिंक मेरे पीछे जो पेंटिंग था उसके अंदर कोई की है, पर मेरे पास अभी कोई पेंटिंग के पीसेस नहीं है, मुझे शायद बाद में मिलेंगे। ये एक अलग पेंटिंग है, तो यहाँ पर कुछ मिलने लगे। ओह माय गॉड, इस पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग चिपकाया गया था, और इस गेम ने मुझे बताया नहीं इसके अंदर कुछ है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, मुझे मैनुअली टैप करना पड़ा। कितना अजीब टाइप का पजल था, बता तो दो यहाँ पर कुछ है मैं ले सकूँ, इन लोगों को बताना ही नहीं है यहाँ पर पेंटिंग है। एनीवेज तो मुझे फर्स्ट पेंटिंग का पीस मिल चुका है, सेकंड थर्ड पता नहीं कितने पेंटिंग्स का पीस लगेगा। और मैं थर्ड फ्लोर में आ चुका हूँ, आई होप कि जनरेटर नहीं है। अच्छी बात है, जनरेटर शायद फर्स्ट फ्लोर में चला गया। और मेरे पास इसका की भी है, और हाँ साइंस लैब ये है, और मेरे पास इस साइंस लैब का की भी है। तो देखते हैं साइंस लैब में क्या है, स्केलेटन ना हो बस, कुछ चलता हुआ स्केलेटन। और लाइट जला के देखते हैं, क्योंकि मैं अब डरता नहीं जनरेटर से। और ओके, तो ये बस पानी का साउंड आ रहा है, पता नहीं कहाँ से पानी लीक हो रहा है। और बहुत, ओ माय गॉड, जनरेटर आ रहा है। सबसे पहले लाइट ऑफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा क्यों खोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं मरने वाला था एक्चुअली। मैं लाइट ऑन करके मैं दरवाज़ा खोल रहा था, मतलब आज जनरेटर मुझे मार, ऐसा हो रहा था। एनीवेज फालतू के मजाक बहुत हो गए। तो कहीं से पानी टपक रहा है, पर पता नहीं कहाँ से पानी टपक रहा है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा ऑफकोर्स। और यहाँ पर कुछ है फेल टिप पेन, इसे होता क्या है कोई अगर मुझे बता दे तो मतलब अच्छा हो उसका। मतलब कितने सारे 10-12 तो हो चुके हैं मुझे मेरे पास अभी। और तो देखते हैं इस रूम में क्या है, कट सीन ट्रिगर हो गया। और ये पर है, तो रात में स्कूल आई क्यों, इतना डर लगता है तू, डोंट बी स्क्रेड, इट्स जस्ट मी। ओके, मैं ही हूँ बस, मैं कोई चीज़ ही नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। इसका नाम ही मीन था, हुई मीन कैसे हो गया, तो ये पर आई कैसे है, मतलब इतना अंधेरा है। तो सीधी सी बात है, स्कूल में रात को नहीं आते। हाँ मैन, ओ माय गॉड, कौन चिल्ला रहा है, कोई भूत है आई थिंक। ओ, इस बिल्डिंग से मुझे जल्दी से जल्दी निकल, सब कुछ लाइटें जलाओ, कोई लाइटर तो जलाओ, मेरे पास लाइटर था। और कोई भूत है आई थिंक, ऐसा कर रहा है। और देखते हैं मतलब मेरे, ओके सच में भूत है, ये क्या, ये भूत है, इंसान है, ये लोग डरते मतलब डर के, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब ये ऐसे डर भी नहीं रही भूत देख के, आई थिंक ये इंसान है, क्योंकि अगर ये भूत होता तो यहाँ पर ऐसे खड़ी नहीं रहती, ये मुझे बता देती। और मुझे भूत से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा कैरेक्टर, हाँ ये भूत नहीं है। व्हाट वाज सी डूइंग हियर, मतलब इसे पता है ये कौन है,
पता नहीं कौन है पर मुझे जाना पड़ेगा ये कौन है। रात को स्कूल में पूरा गांव आके बैठा है। हु इज दिस वुमेन, मतलब सोचो रात को स्कूल में कोई नहीं होता, जेनेटर, 5-6 बच्चे, 10-12 भूत, एक अजीब सी औरत। कौन थ्री ईयर्स अगो, मतलब हर दिन रात को स्कूल में आता है और जेनेटर कुछ नहीं कहता। ये देखने में लगता है ये मर चुकी है मेंटली और फिजिकली, मतलब फिजिकली मर जाती तो मतलब भूत हो चुकी है। ये एक ओल्ड स्टूडेंट, कितना ओल्ड स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट है, ये कोई घोस्ट है ऑफ कोर्स। और हर रात को ये स्कूल में आके बच्चों को डराती है। और ओह माय गॉड, ये कोई इंसान है या भूत अभी तक मुझे पता नहीं चला। इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ इसलिए ऐसे। और ये पियानो कौन बजा रहा है, ओह माय गॉड, ये पियानो बजाना बंद करो। हाँ मैंने सुना पियानो का साउंड। और यू गो इनसाइड फर्स्ट, और मुझे ही जाना पड़ेगा ऑफकोर्स, इनको इनसे कुछ होगा नहीं। और तो पियानो रूम में चल के देखते हैं, यहाँ पर खड़ी रहने वाली है। तो मैं काम करता हूँ, मैं जो है सेफ पर करता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर तक खेल चुका हूँ और मैं जनरेटर के हाथों मरना नहीं चाहता। पता नहीं पियानो रूम में कौन पियानो बजा रहा है। ओके, तो मेरा सेविंग कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं आप किसका हिम्मत है पियानो बजाने का। पियानो बजाना बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, कोई पियानो नहीं बजाएगा रात को स्कूल में। तो ये क्या चीज़ है, ये देखो वही है ना संग, ये इसके कुछ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है। वो मेरे साथ खेल रही है, ये लोग असली है भी या नहीं। मुझे फर्स्ट एपिसोड से डाउट था इस स्कूल में कोई है भी या नहीं। आई थिंक कि बहुत गलत फंस रहा हूँ मैं, इनके चक्कर में मैं बहुत गलत फंस रहा हूँ। तो ये लोग सबके साथ भूत है मुझे जितना लगता है। अब मेरे सीरियस लिखा रहा हूँ, मेरे पीठ में चिल्स आ गए, मतलब गूज़बम्प्स। तो यहाँ पर कुछ ये तीनों लोग पता नहीं कौन, ये तीनों लड़कियाँ पता नहीं कौन है। और कोरियन लैंग्वेज में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके लिए मुझे कोरियन अलग से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर पियानो कैसे बज रहा है, तो मैं पहले डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मिस्टीरियस नोट एंड अपसाइड डाउन क्लॉक पेंडुलियम हिज वॉइस शैल बी की अनलॉकिंग द सीक्रेट म्यूजिक एप्लीकेशन, जो भी था। तो इसमें खून टपक रहा है, कहाँ से खून टपक रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है जो इससे खून टपक रहा है। तो पियानो बज रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा। मैं पियानो बजा सकता हूँ पर कितना, ये एक्चुअली स्केयरी है, मतलब इन लोगों ने सच में इसे डरावना बनाया है इसके, मतलब इसे दिखा के खून टपक रहा है पियानो पे। पता नहीं म्यूजिक रूम का टीचर कैसे मर गया, पर वो मर गया मुझे जितना पता है। इस दरवाजे में भी एक पासवर्ड है, तो मुझे नहीं पता पासवर्ड कहाँ पर मिलेंगे मुझे। और ये कुछ मिस्टीरियस नोट में कुछ मिलेगा नहीं, आई थिंक कि मुझे पियानो बजाना पड़ेगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पियानो के पीछे कुछ है या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं पियानो कैसे बजाऊंगा, मुझे नहीं आता पियानो बजाना। और आई थिंक कि मुझे जो ये साउंड हो रहा है ये बहुत ही स्कैरी साउंड हो रहा है, उसे मुझे कॉपी करना पड़ेगा, मतलब फॉलो करना पड़ेगा कैसा साउंड है। तो बजा के देखते हैं। हाँ मैं पियानो बजा सकता हूँ पर मैं सारे किस को नहीं दबा सकता, तो मुझे एक बार सुनना पड़ेगा अच्छे से कैसे ये पियानो को बजा रहा है ये ब्लड का ड्रॉप्स। और पता नहीं ऊपर कौन मरा पड़ा है, उसके खून टपक रहे हैं नीचे, और एक्चुअली ये बहुत ही क्रीपी बात है। तो मैं देखता हूँ, मुझे मुझसे ऐसा मतलब आसानी से नहीं होने वाला, मुझे पता है। A few moments later. टिंग टिंग, ऐसा नहीं होने वाला, मैं बहुत देर से ट्राई करके जा रहा हूँ। और ओके हो गया, एक्चुअली हो गया क्या, मतलब जब भी मैं कहता हूँ नहीं होने वाला तब भी हो जाता है। तो ओके, तो मुझे पियानो बेंच की मिल चुका है, अच्छी बात है। बहुत टाइम के मतलब 3-4 मिनट हो गए, मतलब लक के ऊपर डिपेंड करते हैं तुम्हारे। और आई अनलॉक टीच, इसके अंदर क्या है देखते हैं। अगर आपके पास जो है पियानो बजाने का स्किल्स है आप इजीली बजा सकते। पिक्चर पीस वन, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है तो कोड है आई थिंक किसी चीज़ का। तो कट सीन ट्रिगर हो गया। ओके, तो ये फिर से आ गई, देखो कुछ टाइम पहले कह रही थी नहीं आएगी। और ये स्कूल छोड़ के चली क्यों नहीं जाती। ओके, तो ये देखो मेरा कैरेक्टर आ गया मतलब कुछ पता ही नहीं इसे। मैं चेस नहीं कर रहा, मैं मतलब इस स्कूल को श्राप से मुक्ति देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका फोटो ऐसे, तो ये जी हियंग जो है ये उसके साथ नहीं जाना चाहती। हाँ ओ माय गॉड, इसने जो बात कहा ये बात 100 मतलब 1000 आईक्यू का है। अगर सब लोग साथ में रहते तो किसी भी हॉरर मूवी में कोई नहीं मरता, किसी भी गेम में कोई नहीं मरता साथ में रहते हैं। तो आई थिंक कि ये जो संग ए है, ये जो नक्शाई लड़की, ये मरने वाली है। और ये अगर नहीं मरती तो समझ जाना ये एक बॉस है, क्योंकि इसका फोटो हर जगह में है और ये स्टार्टिंग से हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और इसके पीछे जनरेटर नहीं पता, मुझे पता नहीं क्यों। और लोग कहते हैं जेनेटर, मतलब ये लोग कहते हैं हाँ ये मेरे साथ रहने वाली है। आप कैसा लगा जी, एक इंसान खुद को कितना दिलासा दे सकती है। ये अपने फ्रेंड के लिए आई थी पर उसके फ्रेंड मतलब सोचती है कि मैं ज़्यादा सेफ हूँ और ये अकेले जा रही है। तो ठीक है, आज के लिए शायद गाइस बहुत हो चुका है। सो हे गाइस, दैट्स इट। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।